हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो आज मैं क्लास नहीं लूँगा। आज पहले सब आप लोगों को बता दूँ, बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ से मिलेगा, नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग को नोट्स न मिले तो ये बात सही नहीं है। तो पहले आप लोग, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, बट फिर भी जो है बहुत सारे लोग वही कमेंट करते हैं कि PDF दे दीजिए, कहाँ से नोट्स मिलेगा। तो फाइनली चलिए आप लोगों को एक बार मैं और बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है PDF। मैं बार बार बताता हूँ, nursinggyan.com पर है, बट फिर भी बहुत सारे मेरे डियर हैं जो नई चीज़ें को समझ पा रहे हैं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में आना है, ठीक है। गूगल में आके आपको लिखना है नर्सिंग ज्ञान। क्या लिखना है? नर्सिंग ज्ञान लिखिए या nursinggyan.com लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। nursinggyan.com लिखिए, कुछ भी लिखिए, सर्च हो जाएगा। nursinggyan.com लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका होम पेज खुलेगा इस प्रकार से। अगर आप नर्सिंग ज्ञान सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ अगर आप नर्सिंग ज्ञान लिखते हैं तो इस प्रकार से खुलेगा। तो इस प्रकार में देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला जो है उसको क्लिक करना है, ठीक है। ऑफिशियल है nursinggyan.com। अब यहाँ पे ये करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से चीज़ें खुलेगा। तो ये होम पेज है। होम पेज पर हम क्या डालते हैं? लेटेस्ट जो न्यूज आता है, लेटेस्ट जो अपडेट आता है, उसको हम होम पेज पर डालते हैं। तो होम पेज पर, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में जो रीटोटलिंग का रिजल्ट आया, मैं यहाँ पर डाल रखा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो अपडेट आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो टाइम टेबल आया है, टाइम टेबल यहाँ पर डाला हुआ है। तो होम पेज पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। बातों को समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब डाउनलोड करने की बात है, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही होगा, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 डॉट मेनू वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। आप जो भी ईयर में है, जो भी सब्जेक्ट आपको ज़रूरी है, उस ईयर्स पर आप क्लिक कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे देखिए छोटा सा तीर के साइन है, है ना। इस तीर पर आपको क्लिक करना है, जो भी है, आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी है, इस तीर वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए हम तीर वाले पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट ईयर में इस पर क्लिक किए। अब तीर वाले पर क्यों क्लिक करवाते हैं? क्योंकि तीर वाले पर क्लिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में हमको डाउनलोड करना है। तो चारों सब्जेक्ट के लिए देखिए यहाँ बायो साइंस है, यहाँ बिहेवियर साइंस है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है, ठीक है। अब देखिए बायो साइंस में भी तीर के साइन यहाँ सामने है, सब में तीर के साइन सामने है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक हम एक एक सब्जेक्ट में सब चीज़ डाले हुए हैं तो अलग अलग है, तो इसलिए आपको इस फिर तीर वाले पर क्लिक करना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना। जैसे आज मैंने बायो साइंस पढ़ाया, तो बायो साइंस का जो PDF डाउनलोड होगा वह इस तीर वाले पर क्लिक कीजिएगा। तीर वाले पर अब आपको क्या डाउनलोड करना है दिख जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक डिफिनीशन मिल जाएगा, टोटल डिफिनीशन, टोटल 7 से 8 सालों का क्वेश्चन बैंक इस पर क्लिक करने से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव जितना डाला होगा बायो साइंस का यहाँ से मिल जाएगा, और जो आपको चाहिए अभी डेली जो PDF डाला है वो इस सब्जेक्टिव वाले पर मिलेगा, ठीक है। इस सब्जेक्टिव वाले पर आपका नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा। तो इस सब्जेक्टिव पर हम क्लिक करते हैं, इस सब्जेक्टिव पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कंप्लीट एनाटोमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑल स्टेट, सभी स्टेट के लिए है। तो कंप्लीट PDF है, इसमें आपको डेली जो क्लास चलता है वो यहीं पे मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे है, मोर पर क्लिक करना होगा, रीड मोर पर, ठीक है। इस रीड मोर पर क्लिक कीजिए। अब रीड मोर पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको दिख जाएगा सारा चीज़ें दिख जाएगा, ठीक है। क्या दिख जाएगा? सारा चीज़ें यहाँ पे अपन जो है आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है PDF 1, PDF 2, PDF 3। अब PDF 1, PDF 2, PDF 3 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 तक मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 तक डाल चुका हूँ, 1, 2, 3, ठीक है। जो चौथा है PDF जल्द ही डल जाएगा, आज हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब में जो है चौथा जो है आपको डल चुका है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बातों को समझ गए?
चलिए, अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं कोई और दूसरा फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ आइए, चलिए मैं सेकेंड ईयर पर क्लिक करता हूँ। सेकेंड ईयर के मैं मानता हूँ कि हमको भाई MSN 2 का डाउनलोड करना है, तो MSN 2 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव करना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव पर क्लिक करूँगा। अब सब्जेक्टिव पर क्लिक करते ही माय डियर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग जो है पूरे के पूरे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से रीड मोर पर क्लिक कीजिए, नीचे आइएगा तो देख सकते हैं वैसे ही है, यहाँ पे कंप्लीट है। और यहाँ पे देखिए चार है, 1 2 3 4 चार वीडियो मैं करा चुका हूँ, चारों PDF यहाँ पे मिल चुका है, सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप यहाँ से यूनिट वाइज भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF यूनिट 1 है, ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 है, यहाँ पे यूनिट 3 का PDF है, यूनिट 4 का है, यूनिट 5 का, यूनिट 5 तक मैं कम्प्लीट PDF डाल चुका हूँ। तो आप यूनिट वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अभी जो मैं PDF पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 करके, तो ये यहाँ पे भी डाल दिया हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यूनिट वाला हटा दूँगा, अभी यूनिट वाला 5 तक डाला है उसको रहने देते हैं। जब अपना पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, पूरा PDF यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके डल जाएगा, तो फिर जो यूनिट वाला यहाँ पे डाले हैं इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। इसी प्रकार से मैं थर्ड ईयर का भी डाला हूँ, इसी प्रकार से आप लोग थर्ड ईयर का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले के लिए भी यूनिट वाइज डाला हुआ है, वैसे ही जैसे आपको नहीं विश्वास है तो मैं बता देता हूँ। बिहेवियर साइंस में चलिए, सब्जेक्टिव में चलिए, सब्जेक्टिव में चलिएगा तो कंप्लीट नोट है, कंप्लीट नोट के रीड मोर पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने से देख लीजिए नीचे आइएगा, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 वाला है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है, ए है, फिर इसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है यूनिट 6, और बिहेवियर साइंस सामाजिक शास्त्र का भी यूनिट 1 डल चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या डाउनलोड करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक भी आपको आराम से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक यहाँ चलना है, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, थर्ड ईयर पर जाना है जो भी सब्जेक्ट का, तो मैं मिडवाइफरी का देखना चाहता हूँ, इसके इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता दिया डिफिनीशन एंड क्यू भी फर्स्ट में ही है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जितना होगा देखिए ए आ क्या क्या टर्मिनोलॉजी, तो ये हो गया डिफिनीशन, तो ए वाला नीचे चलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ए आपका क्या है, मिडवाइफरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर GNM थर्ड ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड ईयर के लिए, जो मैंने पहले ही भी बताया है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन बैंक अपना, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक पर क्लिक, इसके नीचे जितना सब क्वेश्चन बैंक है देख लीजिए, यहाँ पे भोपाल 2021 एग्जाम का क्वेश्चन बैंक है देख लीजिए, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक पूछा गया है वो है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली आके, क्वेश्चन बैंक समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा गया है, समझ गए। 21 अक्टूबर का है देख लीजिए, 2021 अक्टूबर का है, तो इसमें टोटल आपको पूरा 21-22 तक जो है आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, बस आपका काम है आके पढ़ना, मैंने बता दिया, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, सब कुछ यहीं पर मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको ढूंढना है। ढूंढना क्या है, मैंने भी बता दिया कि कहाँ से कैसे करना है, बस वही सारा चीज़ें हैं। बस यहाँ से आइए, जो भी ईयर्स का चाहिए यहाँ आइए, और जो भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ चाहिए इस पर क्लिक कीजिए, बाकी आपके सामने है डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब चीज़, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।